जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों जैसे इसने नया नोटिस जारी किया है, आप सबों ने देख भी लिया होगा। नोटिस क्या है दोस्तों? एक्साइज डिपार्टमेंट उत्पाद पुलिस के लिए जो फॉर्म फिलअप करने का डेट था उसको बढ़ाया गया था। तो सबका मन में एक शंका थी, डाउट थी कि सर इसमें तो रनिंग का जो डेट है, फिजिकल टेस्ट जो होनी थी अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक में, क्या ऐसा होगा कि वो चेंज हो जाएगा, फिर से आगे बढ़ जाएगा? मैंने कल एक लाइव वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, लाइव मैंने आया था तो उसमें मैंने बताया भी था कि नहीं, जरा से भी चेंजिंग नहीं होगी। लास्ट अप्रैल से या फर्स्ट वीक ऑफ मई से चालू हो जाएगा, किसी भी हालत में फिजिकल टेस्ट चालू हो जाएगा। और फाइनली नया नोटिस जो जेसीसी का जारी किया, उसमें आप देख सकते हैं कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से ही आप फिजिकल टेस्ट जो होगी वो चालू हो जाएगी। और फिर आप लोग का जब ये अप्रैल का ख़त्म हो जाएगा और फिजिकल टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर एग्ज़ाम के लिए लगभग 3 महीना का समय आपको फिर से दिया जाएगा। इसलिए 3 महीना काफ़ी होता है अच्छे से तैयारी करने के लिए, लेकिन फिलहाल आपको फोकस ज़्यादा करना है रनिंग के लिए। एज मच पॉसिबल जितना हो सके आप लोग रनिंग का प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिस कीजिए, और समय बहुत ही कम है दोस्तों। आज हो गया आपका 8 तारीख, 8 अप्रैल हो गया, यानी कि और मुश्किल से आपके पास 14 दिन, 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह में आपके बीच में ये आपका जो रिजल्ट, सॉरी एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर देगा। आपका एडमिट कार्ड जैसे जारी करेगा, रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए आप लोगों को टाइम टू टाइम इस डेट में इतना बंदे को, इस टाइम इतना बंदे को ग्राउंड में आप लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो मांगा गया वो तैयार रखें। इसके बाद फ़ोटो, 2-4 फोटो ले जाना। और रनिंग के लिए मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये कोई मामूली रनिंग नहीं है, ठीक है। इसलिए रनिंग को लाइटली भी नहीं लेना है, एक रनिंग ही है जो फर्स्ट जरिया है, फर्स्ट स्टेप है जो आपको नेक्स्ट स्टेप में ले जा सकता है। इस रनिंग को लाइटली नहीं लेकर इसको बहुत ही सीरियसली लेना है। और रनिंग का प्रैक्टिस खूब कीजिए, अभी टाइम मिलता है तो सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फील्ड में जब जा रहे हैं तो थोड़ा धूप का इंतज़ार करें, और धूप में भी 1-2 बार दौड़ने का प्रैक्टिस जरूर करें। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि हल्का फुल्का धूप में प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर छांव नहीं मिलेगी, ग्राउंड ओपन रहती है, खुला रहेगी, प्लस आप लोग की टाइम आते आते धूप हो जाएगी, इसलिए बहुत दिक्कत होगा दौड़ने में। कोशिश करें थोड़ा धूप में दौड़ने का, और अपना डाइट वगैरह थोड़ा बढ़िया से ले, पानी खूब पिए जितना भी हो सके, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना है, वरना वहाँ पर आपको चक्कर आ सकता है दौड़ते समय, आपको बहुत दिक्कत होगी दौड़ते समय। और दोस्तों जिसकी चेस्ट नहीं हो रही है 81 सेंटीमीटर, उससे मैं कहता हूँ कि दौड़ने के बाद, रनिंग के बाद जब शरीर हीट हो जाती है तो डिप्स मारें, खूब डिप्स मारें, ठीक है। और जिसकी हाइट 160 से कम है, सॉरी जी हाँ, इसकी हाइट 160 से कम है जनरल के लिए, फिर जितने कैटेगरी हुआ, जितना हाइट जो मांगा गया है उससे कम है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। जितना मांगा गया उतना ही लगेगा, उससे कम में नहीं होगा। भले चेस्ट में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, ठीक है, लेकिन हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा फिजिकली में, ये चीज़ देखा गया है। और नोक नी जो आप लोग बोलते हैं ना, नोक नी, तो नोक नी दोस्तों उतना बहुत ही ज़्यादा ट्रेक नहीं करेगा, इसलिए उसे दिमाग में नहीं रखिए। नोकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, उतना आर्मी की तरह टेस्ट, मतलब कड़ा टेस्ट नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल टेस्ट होगा। इसलिए कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ रनिंग का, फोकस करें सिर्फ और सिर्फ रनिंग का। रनिंग जितना जल्दी आप लोग का हो सके अच्छा, बस आप लोग सही है, बेस्ट आप लोग, जितना हो सके तैयारी कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आप सबों की तैयारी के लिए कि इतना जल्दी जो है अप्रैल माह के अंत में ही और सारा जितना भी वैकेंसी का है, उत्पाद विभाग का और CGL का, सबका नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों, कैलेंडर जारी किया है, उसमें देख सकते हैं कब कब एग्जाम होगा, कब कब क्या होगा। दोस्तों हमारे चैनल से आपको जरा से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लगता है कुछ ये रियली में काम की चीज़ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।